अजीम साहब, मुझे ये बताएं, हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं? बहैसियत कौम, सॉरी टू कट टू शॉर्ट, लेकिन एज यू नो दैट वी आर नॉट अ नेशन। हम लोग एक जो है वो कौम तो है ही नहीं है ना, हम तो भेड़ बकरियों का एक हजूम है जिसको आप जो आता है वो छड़ी से हांकता है और इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है। आप ये देखें कि इस हजूम का ये हाल है कि 24.5 करोड़ आवाम को जो है ना, बल्कि 24.95 करोड़ आवाम को जो है वो समझ लगे 5,000 कुछ गिनती के जो है बेकार किस्म के लोग, जिनमें हमारे पॉलिटिशियन इस्टेब्लिशमेंट और जिसमें आपके अदलिया और जिसमें आपके आप ब्यूरोक्रेसी ये लोग शामिल हैं, ये इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और हम बने हुए हैं। गरीब आदमी के लिए इस वक्त दो वक्त की रोटी जो है कमानी मुश्किल हुई भी है, जबकि आपके सीएम पीएम और आपके जो ब्यूरोक्रेस हैं उनके बच्चे जो हैं वो वीगो डालो से नीचे ही नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क कभी तरक्की कर पाएगा? मुल्क हमेशा तरक्की करता है उस वक्त जब आप उसके लिए लॉयल हों। आपके अंदर कोई 1% मुझे बता दें, आप जिस भी जगह पे चले जाएं, पाकिस्तान की आवाम इसके लिए लॉयल नहीं है तो आपने किसी को क्या कहना है सर? तो वेरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर नॉट द नेशन। तो ये आखिर कब तक ऐसा चलेगा जी? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा उस वक्त तक चलेगा जब तक निजाम नहीं बदलेगा। और निजाम बदलेगा, निजाम बदलने के लिए डॉक्टर इसरार साहब अक्सर एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि निजाम बदलने के लिए आपको कुरान की तालीमात को आम करना होगा और कुरान को समझना होगा कि कुरान क्या कहता है। आपकी तालीमात, अल्लाह का निज़ाम कुछ और है, आपका निज़ाम कुछ और है। आप मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली की रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि आपका एक दिन का जो टूल प्लाजो का मोटरवे के ऊपर जो इकट्ठा होता है ना टैक्स, सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ, एक दिन का जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है आपके इस्लामाबाद मोटरवे तक जाने के लिए, वो एक दिन का टैक्स आपका कम अज़ कम 1.25 अरब रुपया है। 7 अरब। अब आप इसको कैलकुलेट करें, 1.25 अरब रुपए को आप 30 से मल्टीप्लाई करें और उस मल्टीप्लेशन को आप 5 साल 10 साल 15 साल से आप मल्टीप्लाई करें। ये कौम कैसी बेवकूफ है कि इतने अरबों रुपए की आमदनी होने के बावजूद भी ये कर्जदार है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप बिजली का बिल दें उस पर आप टैक्स देते हैं, आप गोश्त लेने चले जाएं उस पर टैक्स देते हैं, खाना खाएं उस पर टैक्स देते हैं। तो सर टैक्स का निज़ाम कहाँ से आया ये भी तो देखें ना, निज़ाम है क्या, इस्लाम क्या कहता है? जब तक इस्लाम का निज़ाम नाफिज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप चेंज नहीं हो सकते। कौन ये ठीक कौन करेगा ये निज़ाम सारा? ये ठीक करने के लिए आपका जो पूरा निज़ाम इस वक्त बैठा हुआ है, सबसे पहले तो इनको तहे बाला कर दें। इनको आप जैसे इबलीस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था फरिश्तों के साथ मिलकर कि जिन्हों की जमात को जो है वो गर्क कर दो, तो इसी तरह इनको पहले गर्क करें आप। गर्क करने के बाद जो है वो फिर आप कोई नए नुमाइंदे जो कि एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए मुखलिस हों आप उनको लाएं, और उनकी पहचान करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, उनकी पहचान ये होगी कि जो आपके अच्छे लोग आलिम दीन हैं या आपके वो लोग जो के कहने का मकसद ये पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी आपके जितने लॉयल हैं पाकिस्तान के लिए उतने पाकिस्तान में रहने वाले नहीं हैं, तो आप उन लोगों को लाएँ, उन लोगों को ला के उनके हाथ में निज़ाम दें, पढ़ लिखे लोगों को लाएँ जिनका मेन मकसद जो है वो तालीम हो, जिनका मेन मकसद एजुकेशन हो। जैसे जापान पर जब कब्जा किया यूएस ने, हिरोशिमा के ऊपर जब इन्होंने ब्लास्ट किया, तो आप देखें कि उस वक्त जापान की हर चीज पे उन्होंने जो है वो काबिज हुए। जापान ने कहा सिर्फ एक चीज हमारे पास रहने दें, और वो क्या थी? उनकी एजुकेशन। आज देख लें आप जापान सिर्फ अपने उस एक बेस के ऊपर कहाँ खड़ा हुआ है, और आप देख लें आपके पास तो है ही कोई निजाम ही नहीं। चले अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात। जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।